13.3.9 आवर्धन मैग्निफिकेशन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे अक्षर M द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि वस्तु की ऊंचाई H हो तथा लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई H डैश हो तब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्राप्त होगा M बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर H डैश बटे H। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी U तथा प्रतिबिंब दूरी V से भी संबंधित है। इस संबंध को व्यक्त करते हैं आवर्धन M बराबर H डैश बटे H बराबर V बटे U से। 13.3.10 लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस। हम पढ़ चुके हैं कि लेंस का मुख्य कार्य प्रकाश किरणों को मोड़ना है। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है। इसके विपरीत अवतल लेंस मुख्य अक्ष से दूर हटा देता है। किसी लेंस के प्रकाश किरणों को अभिसरित उत्तल लेंस अथवा अपसरित अवतल लेंस करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। कम फोकस दूरी वाले लेंस अधिक फोकस दूरी वाले लेंसों की तुलना में प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ते हैं। अतः कम फोकस दूरी वाले लेंसों की क्षमता अधिक फोकस दूरी वाले लेंसों की क्षमता की तुलना में अधिक होती है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है जब F मीटर में हो। इसे अक्षर P द्वारा व्यक्त करते हैं। अतः F फोकस दूरी वाले लेंस की लेंस क्षमता P बराबर 1 बटे फोकस दूरी F। यहाँ फोकस दूरी F मीटर में है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायप्टर है जिसे संकेत कैपिटल D द्वारा दर्शाते हैं। यदि F बराबर 1 मीटर हो तो लेंस क्षमता P बराबर 1 बटे 1 मीटर 1 डायप्टर बराबर 1 बटे 1 मीटर। इस प्रकार 1 डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। चूंकि उत्तल लेंस के लिए F का मान धनात्मक होता है अतः क्षमता P का मान भी धनात्मक होता है। इसके विपरीत अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है क्योंकि F का मान ऋणात्मक होता है। व्यवहारिक रूप में चश्मा बनाने वाले जब संशोधित लेंस बनाते हैं उस समय वह लेंस की फोकस दूरी के स्थान पर लेंस की क्षमता का उपयोग करना पसंद करते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता -4.0D है तब धनात्मक मान उत्तल लेंस को दर्शाती है तथा उसकी फोकस दूरी निम्न होगी। लेंस की क्षमता P बराबर 1 बटे फोकस दूरी F अथवा फोकस दूरी F बराबर 1 बटे P बराबर 1 बटे 4.0 डायप्टर बराबर 0.25 मीटर बराबर 25 सेंटीमीटर। अतः उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। 13.3.11 लेंसों का उपयोग। दैनिक जीवन में हम विभिन्न क्रियाकलापों में अलग अलग प्रकार के लेंसों का उपयोग करते हैं। सामान्यतः हम चश्मों में उत्तल अवतल तथा मिश्रित लेंसों का उपयोग करते हैं। पानी की फुहार में छोटी बूंदें भी उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के पारदर्शी बर्तनों या बोतल में भरा पानी या द्रव भी लेंस की ही तरह व्यवहार करता है। आभूषणों में प्रयोग में लाए जाने वाले पारदर्शी पदार्थ हीरा या कांच भी विभिन्न प्रकार के लेंसों का कार्य करते हैं। सामान्यतः उत्तल एवं अवतल लेंसों का उपयोग हम विभिन्न प्रकाशिक उपकरणों में जैसे फोटोग्राफिक कैमरा प्रोजेक्टर सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी आदि में व्यापक रूप से करते हैं। मानव एवं जंतुओं के नेत्रों में भी बाहरी वस्तुओं का प्रतिबिंब नेत्र के भीतर उत्तल लेंस द्वारा बनता है।